जिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जिसमें उन्होंने नागरिकों को संबोधित किया और बीजू जनता दल सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोग जेल जाएंगे। आपको बता दें, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ चार चरणों में होंगे, जिसमें से 147 विधानसभा और 21 लोकसभा सीटों पर मतदान 11 अप्रैल को हो चुके हैं। वहीं अमित शाह ने कहा कि राज्य में पिछले 19 साल से बीजू जनता दल का शासन है और इस खनन आवंटन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को संरक्षण देने की वजह से चिटफंड घोटाला हुआ। साथ ही शाह ने कहा कि बड़ी संख्या में मासूम और असहाय लोगों को ठगा गया है, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेगी। वहीं उन्होंने पटनायक के नेतृत्व वाली सरकार की बेड़ियां तोड़कर बीजेपी के एक नए उड़ीसा के गठन करने की बात कही। अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रसार करने पहुंचे, जिसमें उन्होंने नागरिकों को संबोधित किया और बीजू जनता दल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोग जेल जाएंगे। आपको बता दें, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ चार चरणों में होंगे, जिसमें 147 विधानसभा और 21 लोकसभा सीटों पर मतदान 11 अप्रैल को हो चुका है। वहीं अमित शाह ने कहा कि राज्य में पिछले 19 साल से बीजू जनता दल का शासन था और इस खनन आवंटन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। साथ ही साथ कई मुद्दों पर इस दौरान अमित शाह ने बात की, कई घोटालों पर इस दौरान अमित शाह ने बात की। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को संरक्षण देने की वजह से चिटफंड घोटाला हुआ है, उन्होंने कहा। साथ ही शाह ने कहा कि बड़ी संख्या में मासूम और असहाय लोगों को ठगा गया है। खबर की तमाम जानकारी के लिए केंदुझार से संवाददाता निर्मल नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल, अमित शाह पहुंचे हैं चुनाव प्रसार करने के लिए, क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, आज केंदुझार में बीजेपी तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ठीक 1 बजे केंदुझार मेडिकल ग्राउंड पहुंचे। पहले तो अमित शाह ने जिलावासी को देवादेवी और फुलवाले हमले सहित हुए थे दो उड़िया वीरों को सम्मान जताने के बाद पहले भाषण रखा और उसने पहले बीजेडी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन सरकार जो 19 साल से शासन किए हुए हैं, फिर भी ठीक से उड़िया बोल नहीं सकते और कहा कि 19 साल बाद भी गरीब हटाने के लिए बीजेडी सरकार नाकाम है। फिर कहा और एक बार कहा ओडिशा में सरकार बदलाना चाहिए और बीजेपी को वोट देने के लिए स्लोगन लगाए। अमित शाह के पहुंचने पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें क्या कुछ देखने को मिला, कितना उत्साह उनमें देखने को मिला? देखिए, जो आने के बाद उनको जो सभा में बीजेपी की जो एमपी कैंडिडेट अनंत नायक थे, उसको मोहन माझी, भवानी शंकर नायक, पुष्कर कौर, पद्मचरण हाइगुरु के साथ 30,000 से केंदुझर जनसंघ थे, उसमें बहुत उत्साह देखने को मिला। जैसे कि उन मन मतलब वो चाह रहे थे इस जो चुनाव आने वाला है इसमें बीजेपी को हरा के बीजेपी इस साल सत्ता में जरूर आएगी। निर्मल, 147 विधानसभा और 21 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, कैसा ये चुनाव का मतदान रहा? देखिए, पहले चरण का तो मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि केंदुझर जिले में 1 लोकसभा सीट है और 6 विधानसभा सीटें हैं, फिर भी बीजेपी सरकार बोल रहा है कि 6 से 6 सीट उनकी खाता में जाएगी। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में और इस बार के चुनाव में कितना फीसदी मतदान रहा है, कितने फीसदी मतदान में बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है? अभी तो चुनाव 23 तारीख को आने वाला, 23 तारीख को केंदुझर में चुनाव है, फिर भी बोला जा रहा है, बोल रहा हूँ केंदुझर में जो इस साल हो रहा है चुनाव जो होगा
जो गर्मी का माहौल है, इस साल ज्यादा 60 से 70 से 80% तक वोट लोग देंगे, इससे जोश मिला है। फिर जो पुराने साल था, पिछले साल था, कम था, 65 से 70 था, मतलब इस साल अधिक लोग का समर्थन मिल रहा है वोट देने के लिए, हम उत्सुक है। और एक बात बदला जाए कि ओडिशा में जो सरकार चल रहा है, विजय सरकार, बहुत सारे लोग यहाँ तो असंतुष्ट है, मतलब जो काम होना चाहिए केंद्र से जिले में हो नहीं सकता, हो नहीं पा रहा था, इसलिए इस साल जो लग रहा है कि इस साल लोग का जो कहना है कि इस साल जो सरकार होगा शायद बीजेडी और बीजेपी की तरफ कड़ा मुकाबला हो सकता है। जैसा आपने बताया कि जनता सरकार के कामों से असंतोष नजर आ रही है, तो क्या कुछ इस पर बीजेडी पर प्रभाव पड़ेगा जनता की तरफ से? बीजेपी तो अभी इस बार भी वो भी बोल रहा है, वो 19 साल से शासन कर चुका है, वो अच्छा करे, मगर हकीकत जाने से पता चला लोग क्या कह रहे हैं। अब जो लोग जितना देखे, ये जो अभी सभा हुआ है, ये जो आज का जो सभा हुआ, उसमें 30,000 से अधिक केवंशन लोग वासी थे, उनका कहना है कि जिस तरह बीजेडी बोल रहा है उस तरह काम नहीं हो रहा है। फिर की जैसे कभी भी केवंशन का जो बड़ा सा प्रोजेक्ट जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, इस तरफ की बीजेपी तरफ से लोग नाराज जता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, इस दौरान बीजू जनता दल भी उन्होंने तंज कसे है, जमकर वार किया है सरकार पर उन्होंने, और कई घोटालों के बारे में इस दौरान उन्होंने चर्चा की, क्या कुछ और उन्होंने कहा था? उन्होंने और कहा था कि जो केंद्रधर में जो हुआ है, केंद्रधर ओडिशा में हुआ है, चिट फंड घोटाला हुआ है, इसमें बहुत सारे आम आदमी के लोग फंसा हुआ है, अभी तक जो बीजेपी सरकार राज्य में है उनका तो कोई विचार नहीं कर रहा है। और एक तो बात, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जो उनके साथ दे रहे हैं, उसका बीजेपी साथ हुआ है, वो बीजेपी बोल रहा है कि जब बीजेपी सरकार में आएगा, जो घोटाले में चिटफंड घोटाला था या भ्रष्टाचार में उनसे जो लिप्त सहयोग लोग है, वो सब जेल जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे अमित जी ने। निर्मल, लोगों में क्या कुछ उत्साह चुनाव को लेकर दिखाई दे रहा है? चार चरणों में मतदान होने हैं, पहले चरण का मतदान हो चुका है, महिलाओं, बुजुर्ग और जो नए वोटर हैं, उनका क्या कुछ उत्साह इस दौरान देखने को मिला? खास करके मैं केंद्र सर की बात कर रहा हूँ, केंद्र ज्यादा उत्साह देखने को मिला है, जो नए वोटर आ रहे हैं वो युवक और ज्यादा पसंद कर रहे हैं बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी उनका जो राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, ज्यादा देखने को मिला महिला और युवक ज्यादा देखने को मिला, उनका कहना है कि सरकार को बदलना चाहिए, फिर नया सरकार आएगा तो उसे। अभी तक देखिए केंद्रधर है, बेकार समस्या बढ़ गया है, बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है वो काम भी नहीं हो रहा है। और एक तो बात आपको बता दें कि बीजेपी सरकार जो वो भी बोल रहे हैं, वो सरकार से आने से पहले वो केंद्र एक स्टील कंपनी है, मतलब स्टील का बेल्ट है, वहाँ ज्यादा स्टील मिल है, यहाँ पर एक जो स्टील वाला बड़ा सा कारखाना होगा और मेडिकल का और एक तो बना जाएगा, ऐसा बीजेपी तरफ कहना है। फिर भी यहाँ का जो नया जो वोटर आ रहे हैं उनका ज्यादा बीजेपी आकर्षित होना लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।